हम ब्लैक होल को क्यों नहीं देख सकते? सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करना जरूरी है, और इसका आंसर बहुत सिंपल है। देखो, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट से लाइट का या तो एमिशन होता है या फिर रिफ्लेक्शन होता है, पर हमारा जो ब्लैक होल है उससे ऐसा कुछ नहीं होता है। और यही एक सिंपल कंक्लूजन हमें देता है कि ब्लैक होल को हम नहीं देख सकते, और ब्लैक होल का नाम भी इसी वजह से ब्लैक है। पर फिर भी हमारे पास ब्लैक होल की इमेज एग्जिस्ट करती है। तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि हम उस इमेज को स्टडी करें और ब्लैक होल का जो व्यू आता है उसको स्टडी करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सेक्शन है वो है द पार्ट्स। अगर हम किसी भी ब्लैक होल की इमेज को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि एक जो हमारे गैलेक्सी के सेंटर पर है सेजिटेरियस ए स्टार, या फिर जिसकी सबसे पहले ब्लैक होल की इमेज ली गई थी ब्लैक होल M87, तो इन दोनों इमेजेस को ऑब्जर्व करने के बाद ब्लैक होल के बेसिकली दो पार्ट्स डिफरेंशिएट किए जा सकते हैं। एक है इवेंट होराइजन, दूसरा एक्रीशन डिस्क। इवेंट होराइजन, ब्लैक होल की इमेज के जो सेंटर में डार्कनेस दिखती है बेसिकली उसको ही इवेंट होराइजन बोलते हैं। बाकी तो वैसे इवेंट होराइजन वो एरिया होता है जिसके अंदर जाने के बाद आप बाहर नहीं आ सकते, और फिजिक्स के हिसाब से बोले तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू वहाँ पर लाइट की स्पीड से ज़्यादा हो जाती है, यानी लाइट भी चाहे तो बाहर नहीं आ सकते। अब इवेंट होराइजन की साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ 1 सर्शियल रेडियस होती है, और सर्शियल रेडियस एक कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि ब्लैक होल के मास के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। और इसके बारे में अगर आपको डीपली जानना है तो हमारी डेफिनेशन वीडियो वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। एक्रीशन डिस्क, हमें इमेज में जो डिस्क जैसी दिखती है वो एक्रीशन डिस्क है, और ये डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस पार्टिकल्स की बनी होती है। अब ये पार्टिकल्स आते कहाँ से है? तो जो भी प्लैनेट्स और स्टार्स को ये ब्लैक होल डिवोर करता है उसके ही कुछ बच्चे कुचे पार्टिकल्स होते हैं जो कि इसके अराउंड ऑर्बिट करने लग जाते हैं, और वो सब मिलकर एक्रीशन डिस्क बनाते हैं। अब जैसा कि ब्लैक होल का ग्रेविटेशन पुल बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से इनकी जो ऑर्बिटल स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। मैं बात कर रहा हूँ लाइट की स्पीड के अराउंड की स्पीड की, और साथ ही में इनका जो टेम्परेचर होता है वो भी बहुत हाई होता है। मिलियंस ऑफ डिग्रीज का टेम्परेचर होता है, हमारे सन से भी ज़्यादा होता है, और इसी वजह से ये एक हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी एमिट करते हैं। और यहाँ पर लाइट का एमिशन हो रहा है तो इस वजह से हमें यहाँ पर डॉपलर बीमिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। अब डॉपलर बीमिंग इफेक्ट के चलते जो एक्रीशन डिस्क का पार्ट हमारी साइड आता है वो हमें ज़्यादा ब्राइटर दिखता है, और इवेंचुअली वहाँ पर हमें ज़्यादा एक्रीशन डिस्क थिक लगती है। अब एक्रीशन डिस्क की साइज़ की बात की जाए तो 3 सर्शियल रेडियस की साइज़ होती है, और ये 3 सर्शियल रेडियस से ज़्यादा एक्सटेंड हो नहीं सकती, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा नज़दीक कोई इसका पार्टिकल आ भी जाता है तो वो ब्लैक होल के अंदर फॉल कर जाएगा और सिंगुलरिटी में चला जाएगा। लाइट अपने आप में ही एक यूनिक बिहेवियर शो करती है, और ब्लैक होल के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। इवेंट होराइजन के इंक्रेडिबली हाई ग्रेविटेशन पुल की वजह से जो लाइट के फोटोन्स है वो इवेंट होराइजन के अराउंड ऑर्बिट करने लग जाते हैं, और इसी तरह जो भी लाइट की रेज और जो लाइट है वो इन्फिनिटी से आती है वो सारी इवेंट होराइजन के अराउंड बैंड होके उसके अराउंड ऑर्बिट करके किसी न किसी डायरेक्शन में चली जाती है, या फिर इवेंट होराइजन के अंदर फॉल हो जाती है। अब इसी वजह से जो लाइट हमारे व्यू पॉइंट में आती है इवेंट होराइजन के अराउंड घूम के, वो सारी हमें एज अ रिंग्स दिखती है, और ये एक रिंग नहीं होती है, मल्टीपल रिंग्स होती है, क्योंकि लाइट भी मल्टीपल डायरेक्शन से आ रही है, आई मीन इन्फिनिट डायरेक्शन। पर जो हमारी एक्रीशन डिस्क है उसकी लाइट इंटेंसिटी के सामने ये रिंग्स इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाती है, इसी वजह से हमें ये सिर्फ एज अ शेडोज दिखती है, हमें कोई पर्टिकुलर लाइट रिंग्स नहीं देख पाते, हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। हम सभी को अगर कोई भी एक ब्लैक होल की इमेज को इमेजिन करने के लिए बोला जाए तो हम में से आधे लोग तो ये वाली इमेज को इमेजिन कर बैठेंगे, और ये कोई गलत इमेज नहीं है, ये भी बहुत सही इमेज है, और ये उसी ब्लैक होल की इमेज है जिसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। एक्चुअली हमारा जो ब्लैक होल है वो हम ऊपर से देखते हैं, यानी उसके एक्सिस के अलॉन्ग देखते हैं, पर अगर हम उसी को उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर वे से देखें तो एक्रीशन डिस्क का जो आधा पार्ट है वो इवेंट होराइजन के पीछे चला जाएगा। तो इसी वजह से वो एक्रीशन डिस्क जो लाइट एमिट करेगा वो लाइट इवेंट होराइजन का अराउंड बैंड होके हमारी आंखों में आएगी,
और अगर इसी इफेक्ट को हम इंटीग्रेट कर दें और विजुअली आपको दिख भी रहा होगा कि हमें ये फाइनली एज अ इंटरस्टेलर ब्लैक होल देखने को मिलता है। हाँ, ये इतने सिंपल था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। अ ब्लैक होल ऑफ कोर्स इज ब्लैक, सो हाउ कैन यू सी समथिंग दैट इज ब्लैक थिंग? एक्चुअली यू कैन सी इट ओनली इन कॉन्ट्रास्ट विथ लाइट। पेड्रो कुन्ना, एस्ट्रोफिजिसिस्ट। आप में से कई लोग अभी तक ये बात समझ गए होंगे कि ब्लैक होल में कभी नहीं दिखता है, उसके अराउंड जो लाइट सोर्सेज होते हैं उनके रिलेटिव में, उनके कॉन्ट्रास्ट में हमें ब्लैक होल दिखता है, और असली में जो इमेजेस में हमें ब्लैक होल दिखता है वो कभी ब्लैक होल होता ही नहीं है। एक्चुअल में हमारा जो इवेंट होराइजन है वही असली ब्लैक होल है, और वही हमारे ब्लैक होल की सारी डेफिनेशंस को सेटिस्फाई करता है। आज की इस वीडियो में इतना ही था। ये ब्लैक होल की इमेज का रिप्रेजेंटेशन है, और आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी ब्लैक होल के बारे में नॉलेज देने के लिए शेयर जरूर कीजिए। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।